हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज का जो वीडियो है, निकिशा संगानी जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, आपकी रिक्वेस्ट पे हाजिर है ये वीडियो। मैं बात करने वाली हूँ कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो किसी को भी हो सकता है, कोई एज ग्रुप नहीं होता इसमें होने का। छोटे बच्चे को भी हो सकता है और बड़े से बड़े लोगों को भी हो सकता है। बहुत जरूरी है ध्यान रखना। बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि डरने जैसी बीमारी हो कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, लेकिन अगर आपको ये लंबे समय तक रहती है तो बड़ी बीमारी बन सकती है। इसीलिए आज मैं इस टॉपिक पे फुल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि सारी डिटेल्स मैं इसी वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ। दूसरा वीडियो मैंने सोचा कि ना बनाऊं, इसी में आपके साथ सब शेयर करूं, तो पूरा वीडियो देखिएगा और सारी इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो से कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को हिट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यार बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, तब मैं आपके सामने ये सारी चीजें रख पाती हूँ। और उसके बाद शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। कॉन्स्टिपेशन जब हम स्टूल पास करते हैं, अगर वो हमको पास करने में तकलीफ हो रही है या हार्ड स्टूल पास हो रही है तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन जो होता है किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है, कोई एज ग्रुप फिक्स नहीं है, छोटे बच्चे को भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसीलिए हमको टाइम से इसको क्योर कर लेना चाहिए। अगर स्टार्टिंग है कॉन्स्टिपेशन होने की, आपको लग रहा है कि अभी आपको ये तकलीफ हो रही है स्टार्टिंग में, तो ही आप इसको क्योर कर लीजिए। अगर ये लंबे समय तक खिंचती है तो इसके थ्रू फिशर होने की परेशानी को देखा गया है कि इसके थ्रू फिशर हो जाता है, हेमरॉइड मतलब पाइल्स की परेशानी हो जाती है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको टाइम से इसको क्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम ये देखेंगे, यहां मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्स्टिपेशन में क्या चीजें हमको खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन किसकी वजह से होता है। तो अब मैं आपको बता रही हूं कि कॉन्स्टिपेशन होने के कारण क्या क्या है। आजकल जिस तरीके का रूटीन है, प्रॉपर तरीके से लोग सोते नहीं है, नींद पूरी नहीं लेते हैं, तो उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। ठीक है, जंक फूड का ज्यादा इंटेक करना, आप मैदे की चीजें ज्यादा खा रहे हैं, ऑयली फूड्स का ज्यादा खाना, मसाले वाले ज्यादा फूड्स खाना, जो लोग रेगुलर रूटीन में ही मतलब रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते हैं, उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की ज्यादा परेशानी होती है। पानी कम पीने से कॉन्स्टिपेशन होता है, जो लोग कम पानी पीते हैं उसकी वजह से भी होता है। लो फाइबर डाइट खाना, ये कुछ ऐसे रीजन से जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। अब अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो उसको कैसे क्योर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें खानी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आता है, आपको पानी कम से कम दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अब 3 से 4 लीटर आप कैसे पी सकते हैं, आप अपने साथ एक बॉटल रखिए, मेजर करके आपको पीना ही है। कम से कम 3 से 4 लीटर आपको दिन भर में पानी पीना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है, फाइबर रिच फूड्स खाने चाहिए। फाइबर रिच फूड्स ऐसे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप अगर खाना खा रहे हैं तो उसके साथ सैलेड खाइए, बहुत सारा सैलेड ले लीजिए, मतलब एक प्लेट भर के आप सैलेड ले लीजिए। उसके बाद दाल जो आप खा रहे हैं, दाल की क्वांटिटी अगर आप इतनी छोटी कटोरी लेते हैं ना, तो वो क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए, मतलब बड़ा कटोरा लीजिए और इसको डेली आपको दाल खानी है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि उससे भी हमारा जो पेट होता है वो साफ होता है। दाल में भी खास मैं आपको बताऊंगी कि फाइबर वाली दाल कौन सी होती है, मूंग दाल जो होती है जिसमें छिलके वाली, ऊपर ग्रीन कलर का छिलका होता है, वो दाल बहुत फायदा करती है कॉन्स्टिपेटेड लोगों के लिए। ठीक है, तो वो दाल आपको कटोरा भर के खाना है। ओट्स खा सकते हैं, ओट्स में बहुत अच्छा फाइबर पाया जाता है। उसके बाद बीन्स खा सकते हैं, जैसे कि छोले, राजमा, ये सारी चीजें जो हुई इसको खा सकते हैं, इससे भी आपका कॉन्स्टिपेशन कम होता है। आप सब्जी खा रहे हैं तो उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स का ज्यादा यूज करिए, उससे भी कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। थर्ड आता है,
फाइबर रिच फ्रूट्स खाना, मतलब कि रेशे वाले फ्रूट्स खाना, जैसे कि ऑरेंज हो गया, उसके बाद मौसम्बी हो गई, इन सबको आपको जूस बना के नहीं, आपको खाना है, अपने दांतों से चबा चबा के खाना है, क्योंकि इसके जो रेशे होते हैं वो पेट में पहुंचना जरूरी है। इसलिए जूस तो एक अपना अलग बेनिफिट देगा, पर यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की बात हो रही है इसलिए आपको उसको खाना चाहिए। ऐसे और कौन से फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आप एप्पल ले सकते हैं, अनार को खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, नाशपाती बहुत ही अच्छा सोर्स है कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, उसके बाद चीकू खा सकते हैं। ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको आपको खाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है, खाना खाने के साथ आपको छाछ लेनी चाहिए, बटर मिल्क का यूज करना चाहिए, बटर मिल्क आपको लेना चाहिए। और ये बताना चाहूंगी, जिन लोगों को पानी पीने की आदत है खाना खाने के साथ साथ, वो बिल्कुल पानी मत पीजिए, उसके जगह पे आप छाछ पी सकते हैं, उसको रिप्लेस कर दीजिए पानी को और आप छाछ लीजिए। आप बीच बीच में सिप कर करके छाछ को पी सकते हैं, ये आपको काफी फायदा देगा। कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मतलब जिस दौरान हो रहा है उस टाइम पे रात में सोने से पहले गरम दूध, मतलब हल्का गुनगुना दूध होना चाहिए, बहुत ज्यादा गरम नहीं, उसमें एक चम्मच आप इसबगोल की भूसी जो आती है उसको डाल के और पी जाइए। जब तक आपको हो रहा है तब तक आप ये डेली करिए, उसके बाद आप इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपने रूटीन में लेके आ जाइए कि रात में सोने से पहले गुनगुने दूध में इसबगोल की भूसी ना डाल के आप उसमें एक चम्मच गाय का घी डालें। गाय का घी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप घर में जो आपका शुद्ध घी होता है वो भी डाल सकते हैं, पर ये आपको डेली लेना है, कोई नुकसान नहीं है इसके, ये बहुत फायदा करेगा। हमारे घी जो होता है ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जो कि स्टूल को पास करने में इजी करता है, हार्ड स्टूल नहीं होती इसकी वजह से, ठीक है। तो ये आपको डेली लेना है, डेली रात में आप ये अपना रूटीन बना लीजिए। प्रॉपर स्लीप लेना है आपको, कम से कम 8 घंटे की नींद आपको लेना ही है। एक आप अपना रूटीन सेट कर लीजिए, रूटीन आप खुद रियलाइज करेंगे कि जब आपका रूटीन बिगड़ता है तब आपको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी होती है, और जब वापस आप अपने सही रूटीन में चले जाते हैं तो आपकी ये परेशानी दूर हो जाती है। इसीलिए रूटीन का होना बहुत जरूरी है, खाने पीने और सोने का भी, इसीलिए आपको कम से कम 8 घंटे की नींद लेना ही चाहिए। उसके बाद लास्ट मैं इसमें ये बताऊंगी कि आपको चिया सीड्स या सब्जा, दोनों में से जो भी आपको अवेलेबल होता है, जो भी मिल जाए, आप उसको डेली एक चम्मच, या तो कि आप चाहें उसको आधा घंटे पहले भिंगा दीजिए, और भिंगाने के बाद या तो कि किसी शेक में ले सकते हैं डालकर, किसी में भी डाल के आप इसको दूध में डाल के पी सकते हैं। आपको ये लेना चाहिए क्योंकि ये अभी वैसे भी गर्मी का सीजन है और ये हमारे पेट में क्या ठंडक देता है और कॉन्स्टिपेशन की परेशानी को भी दूर करता है। इसीलिए दोनों में से जो भी अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। क्या नहीं खाना है कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए, फर्स्ट आता है आपको दही नहीं लेना है। आप बटर मिल्क लेंगे तो प्रॉपर तरीके का जो बटर मिल्क बनता है वो ही लेना है आपको, दही से बना वाला बटर मिल्क नहीं लेना है। अगर आप घर में नहीं बना सकते हैं तो मार्केट में अवेलेबल होता है, वहां से आप ले लीजिए, बट आपको दही नहीं खाना है ऐसे दौरान। उसके बाद सेकंड आता है आपको केले का यूज, केला नहीं खाना है, फ्रूट्स में केला आपको नहीं लेना है। थर्ड आता है दलिया नहीं खाना है, जो गेहूं से मिलके दलिया बनता है वो नहीं खाना है आपको। फोर्थ आता है कि मैदे से बने प्रोडक्ट्स आपको ऐसे टाइम में खास तौर से नहीं लेने हैं। फिफ्थ आता है आपको मसाले वाले फूड्स नहीं खाने हैं, मतलब कि आपको मसाले कम खाने हैं, घर में भी बना हुआ खाना जो है उसमें कम मसाले डालिए और वो खाना खाइए। सिक्स आता है आपको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या ऐसे खास चीजें हो गई, जैसे कि चीज हो गया, उसके बाद पनीर हो गया, बटर ज्यादा, ये सारी चीजें आपको उस समय पे खास तौर से नहीं खानी है। और कुछ समय के लिए हो सके, जब आपको ये परेशानी हो रही है तब आप बाहर के खाने से बचिए, रेस्टोरेंट्स में जाने से बचिए, क्योंकि घर का ही खाना खाइए, कम मसाले का खाना खाइए, वो ज्यादा आपको फायदा करेगा। खाना खाने के दौरान आपको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं।
बाकी अगर आपको बहुत समय से कॉन्स्टिपेशन चल रहा है, ये सब आपने कर लिया तब भी आपको थोड़ा आराम नहीं लग रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको लैक्सेटिव्स देगा। लैक्सेटिव्स भी क्या होते हैं कि ज्यादा यूज नहीं करने चाहिए, बट डॉक्टर के अकॉर्डिंग आप उसको थोड़े टाइम लीजिए और उसके बाद उसका लेना आप धीरे धीरे करके कम कर दीजिए और बंद कर दीजिए। उसके बाद जब आपका कॉन्स्टिपेशन उस टाइम ठीक हो जाए, तब आप अपने डेली रूटीन में इस जो मैंने आपको सारी डिटेल बताई है, आप इसको लेंगे ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ, 100% गारंटी है मेरी कि आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा अगर आप अपने रूटीन में ये सारी चीजें फॉलो कर लेते हैं। सच में आप करके देखिए और फिर आप देखिएगा कि आपको कभी लाइफ में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने वाला है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपके साथ शेयर कर दी है इस टॉपिक पे। अगर फिर भी कोई आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और ऐसे ही कोई टॉपिक पे अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा, उस पर भी मैं अपनी रिसर्च करके सारी इन्फॉर्मेशन आप तक लाने की कोशिश करूंगी और उसके ऊपर भी जल्द से जल्द कोई वीडियो बनाऊंगी। तो जो भी चीजें हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।